अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक विवादित वीडियो आया है। वीडियो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शेयर किया है। वीडियो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व नेता शर्जील इमाम का है। इस वीडियो में शर्जील इमाम असम को देश से अलग कर देने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो पर शर्जील के खिलाफ केस दर्ज भी हो चुका है। शर्जील इमाम शाहीन बाग में आंदोलन से भी जुड़े रहे। वो शाहीन बाग कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और इसलिए शाहीन बाग के आंदोलनकारियों पर सवाल भी उठ रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं शर्जील। हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर रोड पे कि उनको हटाने में एक महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कतलेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना। तो वीडियो का साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम 1-2 महीने के लिए काट दिया जाए। चलिए फिर से आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-2 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर रोड पे कि उनको हटाने में एक महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कतलेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना। हमारे पास है ऑर्गेनाइज। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये वीडियो वाकई जिस तरह की बात इसमें इन्होंने कही है शर्जील ने, वो कितनी जहरीली है और हो सकती है वो साफ तौर पर सुनकर ही जाहिर होता है कितनी सच्चाई इस वीडियो में? जी देखिए, बिल्कुल सच्चाई है और फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग भी किया था शर्जील इमाम, इस लड़के का नाम है, और 16 जनवरी का ये वीडियो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास का ये वीडियो है जिसमें ये विवादित बयान दे रहा है। लेकिन श्वेता, मैं आपको बता दूं कि शर्जील हमारे जो सोर्सेस बता रहे हैं, शाहीन बाग में जो पूरा ये प्रोटेस्ट चल रहा है, सड़क जाम है, उसमें एक आयोजकों में से एक है और लगातार कानपुर, अलीगढ़ और शाहीन बाग, इन तमाम इलाकों में ये जो शर्जील है वो घूम रहा है। और जानकारी लेंगे लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं ये वीडियो बीजेपी प्रवक्ता दरअसल संबित पात्रा ने जारी किया है और इसके बाद शाहीन बाग के आंदोलन को लेकर हमले शुरू हो गए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। आगे कहा गया है चिकन नेक। देखिए, हिंदुस्तान के आप अगर मैप को देखेंगे, मानचित्र को देखेंगे, तो एक चिकन नेक बनता है जो कि मुख्य भूमि को, हिंदुस्तान को जोड़ती है नॉर्थ ईस्ट के साथ। यह बहुत ही एक संतरासा मार्ग है। यहां कहा गया है साजिश के अंतर्गत शाहीन बाग में कि ये जो चिकन नेक है इसे हमें काट देना है ताकि पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत से कट जाए और आसाम भारत से अलग हो जाए। कैसे काटेंगे उसके विषय में भी विवरण है कि ये जो चिकन नेक है ये मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, यहां मुसलमान आवाम रहता है और हमने उनको संदेश भेजा है कि समय आने पर मुसलमान एक हो जाएगा और हिंदुस्तान के मेनलैंड से चिकन नेक को बंद करके पूर्वोत्तर को, आसाम को अलग कर देगा। ये किस प्रकार की साजिश है? जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट का मेन उद्योक्ता माना जाता है, उन्होंने बोला है कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट को भारत से कट किया जाएगा। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, ये एक पैटर्न है। कोई लोग अभी भारत में, एक भारत असम और पूरा देश में एक अशांति फैलने का जो योजनाबद्ध कार्यक्रम किया जा रहा है और कर रहा है, इसी क्रम का ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है, यही षड्यंत्र है जो आज एक्सपोज हुआ है, देश को टुकड़े टुकड़े करने का। हमने ये इसका संज्ञान लिया है
और स्टेट गवर्नमेंट इसका खिलाफ बहुत जबरदस्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। उनका नाम शर्जील इमाम था, वो दिल्ली से गेस्ट आए हुए और वहाँ पर दिल्ली में ये शाहीनबाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो यही मेन थे जो लीडिंग रोल में जिन्होंने लगवाए थे शाहीनबाग में। फिर उसके उनके खिलाफ बहुत सारे प्रेशर आया, मुकदमा भी हुआ, उनके बयानों पर मुकदमा हुआ। अब यहाँ आए अगर कुछ भी बोला है या कुछ भी है तो उसको सरकार अगर उसको लगता है गलत है तो उसमें मुकदमा करेगा, नहीं है गलत है तो मेरे ख्याल से कि कोई ऐसी बात भी नहीं है। अगर कोई भी देश तोड़ने वाला हो बात करे तो उसके खिलाफ मुकदमा करिए। ना हमने कभी बोला है, ना हम कभी ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो बोलेगा आकर के हमारे स्टेट से। कोई भी हो अगर देश के खिलाफ है तो बिल्कुल मुकदमा कुछ करे ना, उसको अरेस्ट ना करें। मैं बीजेपी को 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, 24 घंटे में ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करिए, जेल में डालिए जो व्यक्ति कहता है, नहीं तो फिर ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति आपकी साजिश के तहत किसी तरह का बयान देता है और उसके बाद में आप उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रस्म अदायगी करते हैं ताकि लोगों की भावनाओं से खेला जा सके। आपको इस देश से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस देश की सुरक्षा से कोई एकता से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी चलती रहे और आप उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहें और ये माना जाएगा कि आपका आदमी है वो, आप उससे करवा रहे हैं। आप उसको 24 घंटे में अरेस्ट करिए, नहीं तो देश के सामने बताइए कि आप ऐसे व्यक्ति को जो देश को तोड़ने की बात करता है आप उसको अरेस्ट करने में सफल नहीं है, आप उसको उसमें फेल हुए हैं।